जब मांझे ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। ठीक ऐसा ही हुआ महादेव साव के साथ। उसके घर से 1.5 लाख रुपए नगद और गहने जेवरात चुराने वाला कोई शातिर चोर नहीं, उनका अपना सगा बेटा करण कुमार ही निकला। बोकारो के चास थाना पुलिस ने करण को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बेटा जेना मोड़ के पास एक किराए के मकान में रहता था। वहीं उसके पिता महादेव साव बोकारो के चास थाना क्षेत्र के सोलागीडी मोहल्ला में रहते हैं। बीते 30 जुलाई की रात महादेव के घर में भीषण चोरी हो गई थी। इस संबंध में चास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनके घर से 1.5 लाख रुपए के नगद और कीमती गहने जेवरात की चोरी हो गई थी। अलमारी तोड़ घटना को अंजाम दिया गया था। दीवार फांदकर चोर घर के अंदर घुसे थे। चोर को खोज निकालने के लिए बोकारो एसपी के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। टेक्निकल सेल और गुप्तचरों की मदद से पुलिस ने करण को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि करण कोई शातिर चोर नहीं, महादेव का अपना बेटा है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान मिल गया। सुने क्या बोले चास के इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम। थाना प्रावधान दिए थे उनके घर में अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में ताला तोड़कर अलमारी से जेवरात और पैसे की चोरी कर लिया गया। कांड दर्ज कर पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में करण कुमार को जरीडी से जो जैना मोड़ में भागकर एक किराए के मकान में रहते थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में चोरी गए गहना बरामद हुआ तथा नया मोड़ से भी उनके द्वारा दिया गया था खाद उसको भी बरामद किया। कोहराम लाइव के लिए बोकारो से परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।